वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज हम लोग बारबेक्यू शोरमा बनाएंगे। कुछ लोग शवरमा भी बोलते हैं, बट मैं शोरमा बोलती हूँ। उसके लिए मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है, एक चम्मच चिली सॉस, एक चम्मच सोया सॉस और एक चम्मच सिरका, जो विनेगर जिसको बोलते हैं वो लिया है, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं टेबल स्पून, और एक टेबल स्पून ज़ीरा मसाला ज़ीरा पाउडर डाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर डालेंगे एक एक टेबल स्पून। और इन सब चीज़ों को आप लोग मसाले गरम ज़्यादा भी ले सकते हैं आपके चिकन के हिसाब से। मेरा चिकन 200 ग्राम है, इसलिए मैं इतने इतने क्वांटिटी में मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं एक टीस्पून नमक डाल रही हूँ इसमें, आप हसब ज़रूरत डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे, और इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे एक टेबलस्पून, और इसको भी मिक्स करके मैरिनेट करने रख देंगे। और दूसरे बाउल में हम लोग 4 टेबलस्पून मायोनीज और लहसुन अदरक पाउडर एक एक टेबलस्पून ले लेंगे। उसके बाद एक टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और एक टेबलस्पून चाट मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा शोरमा का सॉस रेडी हो जाएगा जो कि हम शोरमा में यूज़ करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको साइड पे रख देंगे। एंड तकरीबन चिकन को 10 मिनट हो चुके हैं मैरिनेट हुए हुए। अब मैं इसको 4 से 5 चम्मच तेल के अंदर पकाऊंगी। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो जैसे कि आप लोग देख चुके हैं ये पक गया है। मैं इसमें बीच में एक कटोरा डाल के उसमें एक कोयला रखूँगी एंड हल्का सा तेल डालूँगी उस पर। और फिर आप लोग देखें कितना धुआँ धुआँ हो चुका है। बारबेक्यू शोरमा बना रहे हैं तो बग़ैर कोयले के तो हो ही नहीं सकता। एंड जैसे ही मैंने इसको हटा दिया, क्या खुशबू आ रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया है। आप लोग भी घर में बनाओ, और किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि ये घर का बना हुआ है। तो बस ये तो हमारा रेडी हो चुका है, अब शोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने सॉस बनाया था वो लगाएंगे। पहले तो हम लोग पीटा ब्रेड को अच्छे से पकाएंगे। पीटा ब्रेड आराम से बाहर से मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को रेसिपी बनाना सिखाऊं तो मैं सिखा दूंगी। खैर, आप पहले हमने सॉस लगाया, फिर जो चिकन बनाया था वो लगाया, फिर बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ खीरा और बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी हमने लगाया, और इसको बंद कर दिया, और बस तैयार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो थम्सअप दें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।